I'm sorry. शब्द ये है कि मुझे एक नर कंकाल चाहिए जिसकी एक हाथ में छेद हो। वाह दोस्त वाह, मैं वहां तेरे लिए लड़ रहा हूं, तू मुझे बोल तक नहीं सकता कि मैं भी निकल लेता था। ये क्या है यार, दिवाली वाली रात तू हाथों में फटाकों की जगह कंकाल लेके घूम रहा है? देख तू मेरा दोस्त है ना, मेरी मदद करेगा? करूंगा बाबा, पर ये क्या है? मैं तुझे सब बताता हूँ लेकिन अभी नहीं, अभी तू अपनी बाइक निकाल, मुझे कहीं जाना है। जाना है? एक तो शर्त हारते हो, ऊपर से बेईमानी करते हो, और तुम सॉरी तक नहीं कह सकते? निशा मैं तुम्हें सब बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे कहीं जाना है और मैंने किसी से बहुत बड़ी शर्त लगाई है। शर्त? शर्त पे शर्त राहुल, मैंने तुमसे बड़ा गैंबलर आज तक नहीं देखा। और ये सब क्या है, ये सब कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम नहीं जानती तुमने क्या किया? पागल तो तुम हो गए हो राहुल, ये सब क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स यार, मेरे पास ग्लू है जो मैंने आज ही खरीदा है, लकीली देख तेरे काम है। लाओ ये ले। लो जुड़ गया। थैंक्स। तू जानता है मैं कभी कोई शर्त नहीं हारा, और ये शर्त जीतने के बाद मैं हो जाऊंगा नंबर वन। ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर कंकाल ना छोड़ेंगे। कंकाल तो तुम ले आए लेकिन शर्त हार गए राहुल। तुमने तीन गलतियां की, एक तुमने अपनी दोस्त की मदद की, दूसरी गलती तुमने कंकाल की एक उंगली को तोड़ा, तीसरी गलती तुमने उस उंगली को गलत हाथ में जोड़ा। तीन तीन गलतियों के बाद तो तुम जीत के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना? इसलिए वादे के मुताबिक अंजाम तुम्हारे साथ। एक रास्ता है मेरे पास, एक और शब्द। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं और हो सकता है कि इस बार तुम जीत जाओ, सब कुछ वापस मिल जाएगा। मुझे मंजूर है, बोलिए क्या शर्त है? मुझे एक भटकती हुई आत्मा की अंतिम इच्छा पूछकर बताओ। लेकिन यह आत्मा मुझे कहां मिलेगी? इस फैक्ट्री के पीछे तीन कब्रें मिलेंगी, दो पास पास हैं और एक उनसे दूर है। तुम्हें उस तीसरी कब्र के मरे हुए आदमी से उसकी अंतिम इच्छा पूछकर मुझे बतानी है। और याद रहे, हमारा जीवन रात का है, इसलिए उजाला होने से पहले तुम्हें यह शर्त पूरी करनी होगी। कोई है? कोई है?
मुझे बताएंगे कि पीटर फर्नांडिस कहाँ मिलेंगे? किस दुखी आत्मा का नाम ले लिया? प्लीज मुझे बता दीजिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है। वहां पेड़ के पास बैठा है। मुझ जैसी दुखी आत्मा से तुम्हें क्या काम है? मुझे आपकी अंतिम इच्छा के बारे में जानना है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आप नहीं जानते कि मेरा सब कुछ दाव पे लगा है। दाव? मगर उससे पहले तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा। मुझे मंजूर है, आप बोलिए क्या करना होगा। तुम्हें वो पास वाली ग्रेवयार्ड से मेरी पत्नी मैरी को मेरे पास लाना होगा। मिस्टर पीटर, मैं कोशिश करता हूं। मिसेस फर्नांडिस, बाहर निकलिए। मिसेस फर्नांडिस, मिसेस फर्नांडिस, बाहर निकलिए। मिसेस फर्नांडिस, तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन चलने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मिसेस फर्नांडिस, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप चलिए प्लीज। तो फिर मेरा सवाल है कि दिवाली की रात की क्या खास बात होती है? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अभी इसी वक्त यहां से चली जाती हूं। मिसेस फर्नांडिस, दिवाली की रात अमावस की रात होती है। फिर भी तुम इन आत्माओं के जाल में फंस गए। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि इस रात के अंधेरे में कोई भी इंसान हम पर विजय नहीं पा सकता? अगर इंसान अमावस की इस काली रात को रोशनी से दूर कर सकता है, तो फिर हम आत्माओं की इस काली दुनिया को अपने विश्वास से जीत सकते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो, सिर्फ थोड़ा भटक गए हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ये रही आपकी पत्नी। थैंक यू मिस्टर राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। मिस्टर पीटर, लेकिन आपकी आखिरी इच्छा? अरे, यही तो मेरी अंतिम विश थी। क्या? हाँ, यही तो मेरी अंतिम इच्छा है। सर, मैंने शर्त जीत ली। बहुत पढ़ना चाहती थी बेचारी। मैंने तो शर्त जीत ली थी, फिर क्या किया? तुम इस बात में चूक गए राहुल। तुम एक छोटे से भेद में अंतर नहीं कर पाए। अंतिम इच्छा जानना और उसे पूरा करना दो अलग बातें हैं राहुल। मैं तुमसे एक काम कहा था, तुमने दो काम किए। शर्त का उसूल होता है Stick to the point. छोड़ो, खैर जाने दो। तुम एक और शर्त के चक्कर में अपने निशा को मत गवा बैठना। बेचारे दो दोस्तों तुम गवा बैठे, और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि तुम कभी मुझसे जीत पाओगे। तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत, वेलकम। एक मिनट, ये आखिरी शर्त तो मैं खेल के ही जाऊंगा। Ha 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 ha!
इस थाली में कुछ पत्ते हैं, इन पत्तों में एक पहेली है। पत्ता उठाओ और पहेली पूछो। झूमती चलती है वो अंबर की छाव में, फिर जलकर वह बह जाती है प्रकृति की माया में। जीवन का भेद छिपा है वसुंधरा की काया में। झूमती चलती है वो अंबर की छाया में, फिर जलकर बह जाती है प्रकृति की माया में। जीवन का भेद छिपा है वसुंधरा की काया में। तो समझ में नहीं आ रहा इस पहेली का राज क्या है। मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही? झूमती चली वो अंबर की छाया में, मेरी समझ में क्यों नहीं? झूमती चली वो अंबर की छाया में, फिर जलकर बह जाती है एक छोटी सी पहेली, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? कहीं ये शर्त में नहीं, इतनी कैसी शर्त लगा ली मैंने? इसमें से आग निकल रही है और एक में से पानी और एक ये जो झूमती चली वो अंबर की छांव में, जलकर बह जाती है झूमती यानी हवा, हवा की तरह तैर रही है और जल जल पानी उन हवा। कहीं इस पहेली का रिलेशन इन चारों पत्थरों से तो नहीं? ये पहेली लेकिन हवा, पानी, जल, आकाश, ये तो चार ही एलिमेंट हो गए। पांचवा एलिमेंट क्या है? समझ में क्यों नहीं आ रहा? नहीं जीत सकते तुम, नहीं जीत सकते। हार मान लो राहुल, हार मान लो। चलो मेरी दुनिया में मेरे साथ। सुबह होने से पहले तुम्हें इस दुनिया में छोड़ना होगा। चलो जीत गया। ये पांचवा तत्व है धरती। झूमती चलती है वो अंबर की छाया में, झूमती यानी हवा, अंबर यानी आकाश, जलकर वो बह जाती है प्रकृति की माया में। जलकर यानी अग्नि और बह जाती है यानी पानी में। जीवन का भेद छुपा है वसुंधरा की काया में, वसुंधरा यानी धरती। आपकी ये पहेली शरीर के बारे में है, शरीर जो पांच तत्वों से बना है। अरे
अच्छा है, बहुत दिनों बाद मुझे कोई टक्कर का आदमी मिला है। एक काम करते हैं, एक और शर्त लगाते हैं। लेकिन ये क्या, मैं तो शर्त जीत चुका हूं और वादे के मुताबिक आपको मुझे छोड़ना होगा। मैंने तुम्हें दो दो मौके दिए, तुम मुझे एक भी मौका नहीं दोगे? लेकिन ये तो चीटिंग है। चीटिंग? भगवान राम ने जब बाली का वध किया वो भी छल के साथ किया, तो फिर मैं क्या चीज हूं? सच कहा तुमने, राम ने छल किया था अच्छाई के लिए और तुमने किया है छल बुराई के लिए, जो रावण ने किया था। तुम रावण हो रावण, और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं शर्त जीत चुका हूं और अब तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तुम्हें मेरे साथ शर्त खेलनी होगी। मैं कोई शर्त पर तो नहीं खेलने वाला। बहुत अच्छे दोस्त, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। जिस पत्ते को तुमने हाथ से नष्ट किया है उसी पत्ते के अंदर उसकी शक्ति थी, मगर अब तुम उसके चंगुल से मुक्त हो चुके हो। जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ। राहुल, राहुल बैट जीत गया। निशा तैयार हो जा ट्रीट देने के लिए। कमा, तुम लोग ठीक तो हो ना? थैंक गॉड, अब ना कोई बम्पर ट्रीट मिलेगी, शर्त लगेगी। निशा, तुम्हारी इस 15 मिनट की शर्त में मैं एक पूरी नई जिंदगी जिया। थैंक्स टू यू। Let's go. मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।